In this episode, you will learn the difference between redox properties, colligative properties, thermal properties, and rheological behavior. First one are redox properties. Redox properties is measure of tendency of chemical species to a square electron or loose electron from an electrode, are thereby to reduce or oxidize respectively. Redox potential is expressed in volt. Mean redox potential basically इस इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं रिडक्स पोटेंशियल. सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ स्पीशीज. एंड द नंबर दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स मोलैरिटी, normality, molality, and mostly these are described as vapor pressure, freezing point, boiling point, and osmotic pressure are known as colligative properties. Mean colligative properties ऐसी properties हैं जो solvent पे depend करती हैं, ratio solvent की solute में मौजूदगी की ratio पे depend करती हैं, जो कि जिसमें आ जाती हैं vapor pressure, freezing point वगैरह और ये वाली चीजें. Thermal properties are those properties which measure the ability of material to conduct heat. Heat transfer occur at lower rate in material with low thermal conductivity than in material with high thermal conductivity. Mean thermal conductivity basically heat ki jo transfer hai uski concentration ko check karta hai. Heat transfer jo hai wo us material mein kam hogi jo low thermal conductive hoga, usme zyada hogi jo high thermal conductive hai. तो जो थर्मल का हाई थर्मल कंडक्टिव है वो सिंक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जो लो हैं वो थर्मल इंसुलेशन में होते हैं ताकि वहां पे बिजली वगैरह जो है या हीट ट्रांसफर ना हो उसके लिए उसको यूज किया जाता है. रिडॉक्स प्रॉपर्टीज जो है इसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करते हैं. थर्मल प्रॉपर्टीज जो है उसको हम थर्मोगैवोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं, जबकि रियोलॉजिकल बिहेवियर जो है उसको हम रियोमीटर के थ्रू चेक करते हैं. अब रियोलॉजिकल बिहेवियर होता क्या है? बेसिकली ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और लिक्विड का बिहेवियर देखते हैं, क्या वो डीफॉर्म हो रहा है या फ्लो कर रहा है. तो इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक विस्कोसिटी चेक होती है और इलास्टिसिटी चेक होती है. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन. अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए.